मैं ढूंढ रही थी। क्यों? क्योंकि तुम ये जूस पीना भूल गए। मैंने सोचा अपने सामने पिलाऊंगी। क्या बात है अंगद, क्या सोच रहे हो? कृपा, सोच रहा हूँ कि I think I should start singing again. That's a great news. मेरी जिंदगी में म्यूजिक आया सिर्फ डैड बॉम्ब की वजह से, और जितनी भी मुझे सक्सेस मिली है उसमें भी सिर्फ डैड बॉम्ब का हाथ है। और अगर मेरी गाने की वजह से वो खुश होते हैं तो मैं जरूर गाऊंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है अंकल। अगर मॉम डैड को पता चला कि तुम अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए गाओगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। रिश्ते कोई मैथमेटिक्स नहीं, यहाँ हिसाब किताब नहीं अंगद। सोचो, अगर तुम अपने लिए गाओगे तो उन्हें कितनी खुशी होगी, और क्या पता उन्हें खुश करने की चाह में वो कहीं अपने अंगद को ना खो दे। You're right, Kripa. मैं भी खुद यही सोच रहा था। That's a great news. मैं अभी जाके सबको बताती हूँ। कृपा, मैंने कहा कि मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, मैंने डिसाइड नहीं किया। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए कृपा, जब मैं डिसाइड कर लूंगा तो खुद सबको बता दूंगा। ये भी ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है कृपा कि अंगद ने फिर से गाना गाने का फैसला कर लिया। वही तो मैं चाहती हूँ कार्तिक, कि हम अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स यूज करें ताकि अंगद को काम मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कृपा, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो अंगद के ईगो को ठेस पहुंच सकती है। हम उसे पता नहीं चलने देंगे कार्तिक। इसका मतलब है कि तुम उसके साथ? नहीं कार्तिक, मैं अंगद के साथ नहीं गाऊंगी। मैं चाहती हूँ उसे अपनी पहचान वापस मिले। मैं अपनी गलती दोहराना नहीं चाहती। पिछली बार अंगद की मदद करना चाहती थी और अनजाने में उसे ठेस पहुंचा बैठी। मैं चाहती हूं तुम मेरी मदद करो कार्तिक। ये भी कोई कहने की बात है कृपा? मैं तुम्हारे साथ। थैंक यू। अंगद, मैं बहुत खुश हूं। तुम्हें मालूम नहीं मेरे सर के ऊपर से कितना बड़ा बोझ उतर गया है। लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी भले ही कितने मोड़ ले ले, कितनी बदल जाए, लेकिन इंसान के रिश्ते नहीं बदलते। तू हमेशा मेरा पोता था और मेरा पोता रहेगा। दादी, इस दुनिया का कोई भी सच मुझे आपसे जुदा नहीं कर सकता। आपने तो सिखाया कि जिंदगी के हर मोड़ पे हमें एक नई चीज सीखने को मिलती है, और इस सच ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इस सच ने मुझे एहसास कराया है कि मेरा परिवार मुझसे कितना प्यार करता है, डैड मॉम मुझसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे कभी एहसास नहीं दिलाया कि मैं उनका अपना बच्चा नहीं हूँ, और मैं भी अपने बच्चे को ये एहसास कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मैं सही हूँ ना दादी? चलो, अच्छा हुआ, अच्छी कलेक्शन मिल गई। दिखाओ। आई नो, आई थिंक सो टू। इट्स रियली गुड म्यूजिक इन हियर। एक मिनट। ग्रेट। मैं गजल की सीडी तो लेना भूल ही गई, मिस्टर मित्तल ने स्पेशली मंगवाई थी। एक मिनट, ये पकड़ो, मैं अभी वापस आती हूँ। अंगद। कार्तिक भाई, मुझे तुम्हारा यही अंदाज बहुत पसंद। जो भी काम करते हो पूरा दिल लगा कर। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि मैंने तुम्हें उस म्यूजिक स्टोर में सीडी चेक करते हुए देख लिया था। तुम यही चेक करने आए थे ना कि फिलहाल कौन सा पॉप स्टार टॉप ऑफ द चार्ट्स है। मगर तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन जिस दिन तुमने गाना गाना फिर से शुरू किया इन सबकी यूँ छुट्टी हो जाएगी। कार्तिक, तुम्हें कैसे? अंगद देखो, मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सब पता है। कृपा ने मुझे बता दिया है कि तुम अपना सिंगिंग करियर फिर से शुरू करने वाले, इसीलिए मैं अपने कुछ क्लाइंट्स मिलने आया था, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देकर के। कार्तिक, मैंने भी डिसाइड नहीं किया, मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। और सोच, डिसाइड करो और फिर मुझे बताओ। तुम्हारे लिए कुछ भी करके मुझे बहुत खुशी होगी, समझे?
क्या ये बात सच है अंगद? क्या मिस्टर? देखो अंगद, अगर तुम फिर से गाना चाहते हो देन आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। तुम एक काम क्यों नहीं करते, वैसे भी तुम हमारे कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर हो, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें लॉन्च कर सकते हैं अपने कंपनी के थ्रू। देखो अंगद, अगर तुम हमारे साथ टाई अप कर लेते हो तो तुम्हें शो के फीस के साथ साथ शोज के प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा। वैसे भी यू आर अ पार्ट ऑफ आवर कंपनी, तो पहला हक हमारा बनता है। मिस्टी, इट्स अ गुड ऑफर, लेकिन नो। अंगद, अगर आइडिया इतना अच्छा है तो फिर सोचने की क्या जरूरत है, जस्ट से यस। कम ऑन अंगद। ऑलराइट, आई विल डू इट। गुड, दैट्स द वे आई लाइक। आई एम सो हैप्पी, मेरा फेवरेट रॉकस्टार फिर से वापस आ रहा है, और उससे ज्यादा मेरा दोस्त। थैंक्स। यू आर वेलकम। चलिए चलो। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। ये तुम्हारे लिए। दैट्स नाइस। अब बताओ क्या बात है। गुड न्यूज तो है, लेकिन बताओ ना। कृपा, मैंने फैसला कर लिया कि I'll sing again. रोली, मुझे पता था, इसीलिए मैंने कार्तिक को पहले ही कह दिया था। कृपा, मैंने मिस्टी की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। पर तुम हमेशा कार्तिक की कंपनी के लिए। I'm getting a better deal here, कृपा। मैं यहाँ दोनों ही काम कर पाऊंगा, जो भी कर रहा हूँ वो, और साथ में वो मुझे रिलॉन्च भी कर रहे हैं, और फिर जितने भी कॉन्सर्ट्स होंगे उनका सारा प्रॉफिट है। और फिर कृपा, मिस्टी ने मेरी बहुत मदद की है पिछले इन दिनों में, कि जो भी ये अवंतिका अग्रवाल का ये इशू था उसमें शी इज रियली हेल्पिंग अ लॉट। इसका मतलब है मिस्ट्री सब पहले से जानती थी। हाँ कृपा, मिस्ट्री ने मेरी बहुत मदद की है। इनफैक्ट ये अवंतिका अग्रवाल की सारी हिस्ट्री मुझे मिस्ट्री की वजह से पता चली है। मिस्ट्री नहीं होती तो वो लाइफ इंश्योरेंस की जितनी भी चीजें मुझे पता चली नहीं पता चलती। शी इज रियली हेल्पिंग अ लॉट। तुमने मुझे नहीं बताया पर तुमने मिस्ट्री को बताया। तुम उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल थे, मेरे साथ नहीं। ओह कम ऑन कृपा, इट्स ओके। नो अंकल, इट्स नॉट ओके। शायद तुम भूल रहे, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। कृपा, मिस्ट्री इज जस्ट अ फ्रेंड, ऑलराइट। और फिर मैं नहीं चाहता था कि इस हालत में मैं तुम्हें कोई टेंशन दूं। दैट्स ऑल। कृपा, ट्रस्ट मी प्लीज। नाउ स्माइल, कम ऑन, चले।
किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? मेरी सारी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची, मेरे बच्चे को मुझसे अलग कर दिया और अब उसी को भड़का रहे हो मेरे खिलाफ, क्यों? तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम लोगों को, कामयाब हो जाओगे तुम लोग? हाँ, कामयाब हो जाओगे? तुम्हें कोई शक है? दिलन, पिछले 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ। मैं भी एक ना एक दिन सारी सच्चाई ऋषि के सामने आ जाएगी और मेरा बेटा मेरे पास लौट आएगा। मैं ले आऊंगी उसे मेरे पास और उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी, उसे बता दूंगी तुम्हारी सारी काली करतूतों के बारे में। और तुम्हें लगता है कि अंगद तुम्हारी हर बात पर भरोसा कर लेगा? क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा दिलीप? मैं यकीन दिलाऊंगी उसे, उसे बता दूंगी तुम लोग क्या हो, तुम लोग सिर्फ दूसरों का इस्तेमाल कर सकते हो और यही करते भी आए हो। मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का कर भी तुम लोगों ने यही किया है, इस्तेमाल किया है उसका और करते रहोगे। ऋषि नहीं है तेरा नाम, मेरा नाम अंगद है, अंगद खन्ना। डू यू गेट दैट? और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि कोई भी ऐरा गैरा मेरे घर में आके मेरे माँ बाप से बदतमीजी करे। जाइए यहां से। बेटा? बेटा नहीं हूं मैं आपका। नहीं हूं मैं बेटा आपका। देखिए मिसेस अग्रवाल, प्लीज, मेरे मॉम डैड ने मुझे सिखाया है कि बड़ों के साथ सलीके से पेश आना चाहिए और मैं इस वक्त आपसे बिल्कुल तमीज से बात कर रहा हूं। प्लीज जाइए यहां से, जस्ट गो। ऋषि, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ये इन लोगों की चाल है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है, ओके? इस वक्त मैं आपकी बात तो क्या, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इससे पहले कि मैं अपने होश आवाज को बैठूं, जाइए यहां से। Get out from here. Get out! Get out! Get out! 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 प्लीज मुझे एक गिलास पानी दे दो। कृपा, मैं जानता हूं जो भी हुआ तुम उसको लेकर परेशान हो, लेकिन तुम ही तो कहती हो ना कि अपने दिल की सुनो। मैंने भी वही किया है कृपा, मेरे दिल ने कहा कि बस सब कुछ खत्म कर दो, बस और एनी मोर। इसलिए मैंने उस औरत को, अंगद प्लीज कम से कम उस मां की इज्जत तो कर लेते जिसने तुम्हें जन्म दिया। शायद तुम नहीं जानते लेकिन एक बच्चे को इस दुनिया में लाते लाते एक माँ को बहुत दर्द उठाना पड़ता है। अगर उसकी इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम उसे दर्द। उनका दर्द दर्द और मेरा दर्द उसका क्या? कृपा, तुम जानते नहीं हो उस औरत ने। फॉरगेट, शायद मैं इस
दुनिया की पहली अभागी औलाद होगी जिसकी मां ने उसे कई बार एक मां अपने बच्चे को खुद मौत की नींद सुला देती है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद उसके पास पैसे कमाने का सरिया नहीं होता है लेकिन इस मां ने पैसे के लिए अपने अपने पति की जान ली और उसके बाद अपने अपने बेटे के खून के पीछे पड़ गई क्या हुआ क्या नहीं ये एक अलग इशू है अंकल पर तुम्हें अपने बेटे होने का लिहाज रखना चाहिए था मुझे नहीं लगता नैना मम्मी जी ने कभी तुम्हें ऐसे सिखाया होगा तुमने ठीक नहीं किया अंकल Didn't expect this from you. मैं तुम्हारा नजरिया समझ सकता हूँ कृपा पर काश तुम समझ सकते कि मुझ पर क्या बीत रही है काश